आइए देखते हैं क्या चल रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर। पापड़ बन रहा है दीपावली के लिए। दीपावली के लिए पापड़ बन रहा है। पापड़ बन रहा है। हाँ। ये किस चीज के पापड़ है जी? गाय के पापड़ है। चावल का है। चावल? हाँ। अच्छा कैसे करते हैं, कैसे क्या बनाने का क्या तरीका है थोड़ा बताइए। आटे को चावल के आटे को चावल के आटे को नमक डाल के घोले है। हाँ। पानी से। हाँ। और इसमें गंजी में पानी उबाल आने देते हैं, उसके बाद में बना बना के झाँकते हैं। अच्छा। हाँ। बना बना के इसमें यहाँ पे डाल देते हैं। हाँ, फिर सुखाना पड़ता है निकाल। अच्छा, ये आप ये थाली में आप इसको कैसे कर रहे हैं, एक हाथ बना के दिखाइए कैसे बनाते हैं आप इसको। ये बहुत ही पतला बन रहा है ना ये? नहीं तो पतला क्यों ना। अच्छा, ये बड़ा अच्छा तरीका लग रहा है, कुछ नया तरीका ऐसे आप बना रहे हो। चावल के पापड़ बन रहे दर्शकों इस वक्त। फूल बनाती हूँ फिर आप उसको क्या करेंगे? इसमें नमक डालना है। अच्छा, और नमक मिर्ची भी डाल सकते हैं, जीरा। हाँ। जो उसमें डालना है मसाले में। अच्छा, अभी इसको क्या आप कैसे करोगे, उसको भी थाली में डालेंगे? हाँ, इसको थाली में डालेंगे। अच्छा, दिखाइए कैसे डालते हैं आप। यहाँ कुछ कचरा दिखा हुआ है थाली में, कुछ दिखा लकड़ी। गरम गरम ये डालना पड़ता है क्या, कि ठंडा भी चल जाता है? ठंडा करना, निकाल के पानी में ऐसा डालना पड़ता है थाली को ऐसा। हाँ। तो ये ठंडा हो जाता है तो फिर निकल जाता है पर्ची। अच्छा। हाँ। पतला जो है गेहूं का आपने घोल बना लिया है अपने चावल के आटे का, है ना? चावल का भी बनता है, साबुतदाने का भी बनता है। इसमें साबुतदाने भी डाल सकते हैं। अच्छा, मिक्सचर। अच्छा, अभी आपने इसको लेकर थाली को अच्छे से पोंछ दिया आपने, है ना? उसके बाद वो घोल आप थाली में डालोगे। ये ठंडा घोल है कि गरम है? क्या जो घोल है जो आपने बनाया? नहीं, ठंडा है ये। ठंडा है ये? ठंडा पानी से घोलना पड़ता है। अच्छा, अब इसको थाली को घुमा घुमा के उसको फैलाएंगे। इसको फैलाना पड़ता है। अच्छा, इसको घुमा घुमा के इस तरह से फैला रहे हैं। और फिर उसमें झाँकना पड़ता है गंजी में। अच्छा, उसके बाद पकने दो थोड़ा और निकालो, फिर इसमें डालो और फिर काट। अच्छा, इसको पकाएंगे आप इसमें? हाँ, उसमें पकाना पड़ता है। अच्छा, बने जाओ। ये आप लकड़ी जला रहे हो यहाँ पे? हाँ, लकड़ी से बनेगा। नहीं, लकड़ी के चूल्हे पे आप कर रहे हो? हाँ। गैस से नहीं चल? हाँ, गैस में कितने लगेगा जी? बहुत गैस लग जाता है। अच्छा, लकड़ी यहाँ पे आसानी से मिल जाती है क्या? नहीं मिलती भैया, कहाँ। अभी तो क्या भाव से मिलती है लकड़ी, खरीद के लाते हैं आपके खेत की? नहीं है, वो लाते हैं शीर से। हाँ। थोड़ा थोड़ा जाते। अच्छा। हैं तो भाई लोग। अब वो बिल्कुल पतला बन के वो बिल्कुल फैल गया है, है ना? फैल के एकदम पतला हो गया वो। अब ये पतला करके आप इसको यहाँ पर गरम पानी के ऊपर रख के इसको पकाएंगे। हाँ, इसको उबड़ाना जैसा ये थाली उबड़ा है। हाँ हाँ, ऐसे ही झाँकना पड़ता है। अच्छा, तो अभी कुछ झक के बनाते तक ये पक जाता है। ये आप लकड़ी जला रहे हो, आप बता रहे हो कि गैस ज्यादा लगता है, अब क्या ये उज्ज्वला कनेक्शन नहीं, उज्ज्वला गैस मिली आपको? कौन सा वाला? उज्ज्वला योजना की? हाँ, हाँ, वो मिली है ना। मिली है? हाँ। वो उपयोग नहीं करते? उपयोग करते हैं, खाना वाना, चाय वाय सब। हाँ, हाँ। भराते रहते हर साल? हाँ। हर महीने भराते हैं? नहीं जी, पैसे भी तो हो ना हर महीने भराने के लिए। ये चूल्हे से भी बनाते हैं खाना और गैस से भी, कभी समय पड़ गया जैसा। तो हर महीने नहीं भराते गैस? नहीं भराते जी, हर महीने दो महीने तीन महीने में भराते हैं। खत्म नहीं होती इसलिए? नहीं, वो तो खत्म तो हम 15 दिन में कर सकते हैं। हाँ। पर पैसे होना ना जी भराने के लिए। पैसे तो दे रहे हैं शिवराज मामा? क्या, कितने दे रहे? 1200 रुपए? 1200 अभी। हाँ। पर अब दूसरे खर्च में भी ले लेते हैं, अब वो गैस के लिए। मिला तो आपको पैसा? हाँ, मिलता है। कितनी बार मिल गया? मेरे को 5 बार मिल गया। 5 बार मिल गया। हाँ। आपको क्या लगता है कि ये जो योजना चालू की अच्छी अच्छी लग रही है, आप खुश है उससे? हाँ, अच्छी है ना जी, सब अच्छे। हाँ।
तो अच्छा अच्छा लग रहा है, मतलब शिवराज जी का काम अच्छा है। हाँ, लोगों का तो भावना छोड़ो, लेकिन अपने को तो अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है, लोगों की भावना छोड़ो मतलब क्या? अब लोगों कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, अपन उनके बात में ध्यान नहीं देते। अपने जिस अपने इसमें है वो अपन समझते हैं कि नहीं जी। नहीं मतलब क्या क्या है आपको मन में, क्या है लगता है? सरकार दे रहा है हाँ, उसे खुश कुछ लोग बोल है, रहे हैं कि अभी अभी दे रहे हैं, चुनाव है इसलिए दे रहे हैं। ऐसा बोलते हैं, पर अपन लोग समझते हैं उस चीज को। जो लोग नहीं समझते वो बोलते हैं ऐसा ऐसा है। अच्छा, तो मतलब क्या है, अभी अभी देना चालू किया ना, ये तो इलेक्शन के लिए, चुनाव जीतने के लिए दे रहे हैं ऐसा लोग कह रहे हैं, ये बात सही है क्या? हाँ, यह तो बोलते हैं जी कई लोग, ऐसा है क्या? मगर ऐसा है? ऐसा हाँ नहीं है। जो अभी अभी पैसे दे रहे हैं, पहले भी तो दिए थे ना, दे रहे हैं पहले से, तो हर चीज का ये कर रहे हैं ना, अच्छा। गैस मिला और राशन दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, और काय का कमी तो है आप तो तो गैस भरा ही नहीं पा रहे हो। पर नहीं भरा पा रहे हैं, तो घर में भी थोड़ा अपना समझना पड़ता है ना जी। ऐसा ऐसा तो आप अपने आपको से लग हाँ। कराएंगे तो फिर और दूसरे कैसा खर्चे में निकल लेंगे। पहले तो गैस 450 रुपए की मिलती थी, अब 1100 1200 की मिल रही है, अभी तो 900 की, 1000 तो है ना, 1000 रुपए, 1000 रुपये, 1000 के ऊपर ही हाँ है ऊपर ही है। हाँ, ना? तो कितने में मिलना चाहिए गैस वैसे? अब सरकार जाने कितने में मिलना चाहिए तो हम तो क्या बताएंगे। ऐसा नहीं, है, पहले साढ़े चार हाँ सौ में मिलती थी, पहले मिलते थे, अब अब नहीं तो मिलती। नहीं मिलते। पहले का समय अच्छा था कि अब का समय अच्छा? अब समय देखो, महंगाई कम है आपके हिसाब से कि ज्यादा है? महंगाई तो कम ज्यादा होती रहता है जी, अच्छा महंगाई को तो छोड़ो। अच्छा तो ये, और आपको बताएं दर्शकों, यहाँ पर जो है काफी कुछ महिलाएं अपने स्वरोजगार से भी जुड़ी हुई हैं। हालांकि ये तो इन्होंने जो पापड़ ये बनाए हैं, इन्होंने बताया कि ये दिवाली चूंकि आ रही है, इस वजह से इन्होंने ये पापड़ बनाए, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग मेहमान आते रहते हैं, तो उसमें खाने के लिए इन्होंने घर के उपयोग के लिए पापड़ बना रहे हैं। इधर पे क्या काम चल रहा है? इधर भी कुछ सिलाई उलाई चल रही है? क्यों जी, कटिंग चालू है? तो ये सिलाई का काम आप करते हैं इस? हाँ सही, कभी आ गया तो करो, नहीं तो हाँ अच्छा, सिलाई का काम गांव के लोग आपको कपड़े देते हैं सिलने के लिए? देते हैं सर। हाँ अच्छा, क्या क्या सिलते हो आप? मैं ब्लाउज बनाती हूँ हाँ और कुर्तियां बनाती हूँ। अभी तो हालांकि रेडीमेड कुर्तियां खरीदने लगे हैं, तो अब ज्यादातर नहीं सिलवाते कुर्तियां। अच्छा। तो लोग जो है यहाँ पे कितना मिल जाता है आपको काम? ऐसा है सर, काम नहीं, मतलब उतने अच्छे से नहीं मिल पाता, क्योंकि हर घर यहाँ पर मशीनें हैं, टेलर है। हाँ, यहाँ काफी लोग ये सिलाई का काम करते हैं। हर घर में बस सिलाई का काम ज्यादातर चालू है। अच्छा, कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? 8वीं। 8वीं। हाँ नौकरी का कभी सोचा नहीं कोई ऐसा जॉब मिलना चाहिए? नहीं सर, नहीं सोचा, हाँ? कभी नहीं ऐसा सोचा नहीं कि जॉब मिलना चाहिए कुछ? नहीं मतलब कभी आगे इच्छा नहीं हुई कि? बढ़ना। हाँ हाँ, बोलो। क्यों नहीं तो पढ़ ही नहीं पाई ना, इसलिए नहीं सोचा मैंने। नहीं पढ़ पाए आप? नहीं थी इच्छा, नहीं पढ़ा है। अच्छा, इच्छा नहीं थी आपकी पढ़ने की, इस कारण से पढ़ नहीं पाए। अच्छा, तो अभी ये काम करके बढ़िया क्या आपका चल रहा है काम? हाँ सब चल तो रहा है फिलहाल, अच्छी तरह से गुजारा हो जाता है? हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी हो पाता है। अच्छा। आपके हिसाब से, अभी वो बता रही थी अम्मा कि जो है यहाँ महंगाई नहीं है। नहीं सर, महंगाई है, महंगाई है। हाँ अच्छा, आपको लगता महंगाई है? जैसे नहीं महंगाई तो बता रहे हैं कि कुछ महंगाई नहीं है, सब पैसा भी मिल रहा है सरकार से, 1100 1200 रुपए। सरकार से सिर्फ 1100 1200 में कुछ होता है क्या? अच्छा, मतलब कितना काम मिलना चाहिए? करेंगे कुछ क्या कितना मिलना बोलते चाहिए? अभी कांग्रेस कह रही कि 3000 दे देंगे। अच्छा, सर, पर अभी तो उन्होंने दिए ही नहीं है ना, और ये दे रहे हैं? अभी दे रहे हैं। जिसने मतलब दिया है तो वो बोलेंगे ना दिए हैं करके, अभी हाँ। तो मिला ही नहीं है तो कैसे बोलेंगे कि 3000 दिए या 2000 दिए। ये तो कह रहे हैं कि आगे और ज्यादा देंगे शिवराज जी। अच्छा, आगे का आगे है, फिलहाल तो जो दे रहे हैं वही बोलेंगे ना जनता। तो महंगाई आपके हिसाब से है? हाँ महंगाई है, मतलब अभी किस टमाटर किस किस चीज कितना, में महंगाई है अभी तो सब्जियों में ज्यादातर महंगाई चल रहा है। और बाकी चीजें?
बाकी चीजें भी, किराना वगैरह। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो बच्चे आपके, हाँ कर रहे हैं, तो वो उसमें महंगाई आपको नहीं नजर आती? उसमें भी अभी तो वो सरकारी में जा रहे हैं, अभी तो पहली दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं सर। तो इसमें ज्यादा महंगाई नहीं लग रही आपको बाकी चीजों में? हाँ हाँ मतलब ऐसी किराना वगैरह में, सब्जी वगैरह हाँ ये सब गैस में तो उपयोग लग करते रहा हैं है। आप? गैस हाँ उपयोग करते हैं आप, करते हैं, रसोई गैस उपयोग करते हैं, तो हाँ करते हैं। मतलब हर महीने भरा लेते हैं आप? नहीं हर महीने तो नहीं भरवा पाते सर, अच्छा, मतलब उपयोग बहुत कम करते हैं, वैसे लकड़ियों से काम ज्यादा चला करते हैं देते हैं। हाँ लकड़ियों से काम चलाते हैं, हाँ सस्ती पड़ती है लकड़ियां, नहीं सर हम खुद लाते हैं, आप खुद बोझा लेकर आते हैं जंगल से लकड़ी? हाँ अच्छा, खरीदते नहीं है, खरीदते नहीं है इसलिए नहीं वो सस्ती पड़ती है, इसलिए उसका उपयोग ज्यादा करते हैं। अच्छा, मिल जाती है सर, जाना पड़ता है, लाओ तो फिर होता है। हाँ तो आपके हिसाब से महंगाई कम होना चाहिए, हाँ होना किस किस चीज में चाहिए, कम होना चाहिए, गैस में और खाए में, किस किस चीज में कम होना चाहिए? गैस में होना चाहिए, किराने में होना चाहिए, सब्जी वगैरह होना चाहिए। अभी तो सबसे ज्यादा महंगाई चल रही है सब्जियों की। अच्छा, दाल वाल जो है? हाँ दाल वगैरह। चलिए, तो ये जो है आपको लगता है कि महंगाई जो है वो है और कम होनी चाहिए, और हाँ कम ये होनी चाहिए। आंजनभेरी की ये महिलाएं इस वक्त अपने अपने कामों में, और इस वक्त सभी लोग जो है वो दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं, और ये जो पापड़ बन रहे हैं यहाँ पे, अब दिवाली के लिए ये पापड़ बनाए जा रहे हैं, व्यंजन चूंकि लोग आते हैं उस वक्त, ये त्योहार का सीजन होता है, उस वक्त काफी अच्छी अच्छी चीजें घर में बनाई जाती हैं। अच्छा, उल्टा करके उसको, वो गिरेगा नहीं? ओके, ये उल्टा कर दिया गया है उसमें, और वो भाप से अब वो पकेगा, और पक कर वो चिपक जाएगा पूरी तरह से, और फिर उसको निकाल कर सुखा दिया जाएगा, इस तरह से पापड़ बन जाएंगे चावल के।